लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाला। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमने उसके बारे में जाना, लेकिन अब हम जानेंगे व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उन्हें हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो इसकी नंबर ऑफ रोज अगर आप काउंट करें सारे, तो ये एक नंबर ऑफ रो है और ये सेकंड नंबर ऑफ रो है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, टू, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये एक नंबर ऑफ कॉलम, ये टू और ये थ्री। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, थ्री, यानी कि रोज टू है और कॉलम कितने हैं, थ्री, यानी कि टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू थ्री। सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होगा। ये नंबर ऑफ रोज है, इसमें नंबर ऑफ रोज है थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टू, नंबर ऑफ रोज है थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स है टू, यानी कि थ्री इज नॉट इक्वल टू टू। सो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम यहां देखें तो यहां नंबर ऑफ रोज है वन और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वन टू एंड थ्री, तो वन इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ही एक एग्जाम्पल है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, वन टू एंड थ्री, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वन, तो ये थ्री क्रॉस वन का मैट्रिक्स है, यानी कि थ्री इज नॉट इक्वल टू वन। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक किस्म है। तो बैक बेंचर्स के जहन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो माइंड में सिर्फ एक चीज अपने बना के रखें कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम उसको कहेंगे कि वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे ऑपोजिट सीन है बिल्कुल। उधर हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, बट यहाँ पे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो ये देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, टू, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी हैं टू, तो टू इज इक्वल टू टू, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम ये एग्जांपल देखें, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का मैट्रिक्स, इसको समझ बैठते हैं बैक बेंचर्स हमेशा, तो ये मुश्किल नहीं है। इसको देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये नंबर ऑफ रोज वन और नंबर ऑफ कॉलम भी वन, वन क्रॉस वन, वन इज इक्वल टू वन, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वन टू एंड थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वन टू एंड थ्री, तो ये भी थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, यानी कि थ्री इज इक्वल टू थ्री, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। फिर भी मैं एक डेफिनेशन में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उस सूरत में हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो, तो हम आंखें बंद करके उसको कहेंगे कि वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। होपफुली इस वीडियो में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी बैक बेंचर की कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में आए, अपनी कंफ्यूजन बताए, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा और जवाब भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। अस्सलाम।